ये वीडियो पूरी देखो। अल्लाह इकामती सलाह इताई ज़का व सौम रमजान व हज्जुल बैत। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की बेस, इस्लाम की बुनियाद पांच चीजों पर है। कितनी चीजों पर है? पांच। सबसे पहली चीज क्या है? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गवाही देना है इस बात की कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इकामती सलाह, नमाज को कायम करना। इताई ज़का, ज़कात को अदा करना। वसौम रमजान, रमजान के रोजे रखना। व हज्जुल बैत, अल्लाह के घर का हज करना। ये पांच चीजें जो इस्लाम की बुनियाद। ये वीडियो पूरी देखो। लव मैरिज ज़्यादा कामयाब होती है कि अरेंज मैरिज? तो उसका जवाब यही है कि शादी ना लव मैरिज से कामयाब हो सकती है ना ही अरेंज से। ये हर उस इंसान पर डिपेंड करता है जो निकाह के रिश्ते में जुट जाएं, कामयाब हो जाएं। शादी में कामयाबी तभी हो सकती है जब लोगों को, एक दूसरे को लोग समझेंगे, साथ देंगे, रोज़ रोज़ के झगड़े, फसाद, नाराज़गी, बेइज्जती, इन सब चीज़ों से बाहर वो शादी टूट सकती है जो लव हो चाहे अरेंज हो। रिश्तों को कामयाब बनाने या जोड़ने के लिए हमेशा झुकना पड़ता है और ये साइड हो तब ही आपकी शादी कामयाब हो सकती है।